एक देश एक चुनाव की कमेटी के लिए अधिसूचना जारी। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद कमेटी के अध्यक्ष अमित शाह समेत 8 लोक सदस्य। अधीर रंजन, गुलाम नबी, हरीश सालवे और सुभाष कश्यप कमेटी में। एनके सिंह और नितिन चंद्र भी कमेटी में शामिल। एक देश एक चुनाव की कमेटी में खड़गे का नाम नहीं होने पर कांग्रेस ने जताई नाराजगी। कहा लोकतंत्र का मजाक बना रही है मोदी सरकार। कमेटी में खड़गे के नहीं होने पर अधीर रंजन ने नाराजगी जाहिर की। कमेटी में खुद को शामिल करने के प्रस्ताव को खारिज किया। संसद के विशेष सत्र को लेकर नोटिफिकेशन जारी। 18 से 22 सितंबर तक चलेगा सत्र। सूत्रों के मुताबिक सत्र में नहीं होगा शून्यकाल। अमित शाह का भूपेश बघेल पर निशाना। कहा केंद्र के भेजे चावल को बघेल सरकार ने चुराया। भ्रष्टाचारी सरकार को हटाकर रहेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ बीजेपी के आरोप पत्र पर पीएम मोदी का ट्वीट। लिखा आरोप पत्र से छत्तीसगढ़ की बदहाली उजागर। लालू यादव से मिले राहुल गांधी। मुलाकात के बाद राहुल ने कहा राजनीतिक मुद्दों पर हुई दिलचस्प बात। राजस्थान के प्रतापगढ़ में पीड़ित महिला से मिले सीएम गहलोत। सरकारी नौकरी और 10 लाख रुपए देने का किया ऐलान। महाराष्ट्र के जालना में फिर से हिंसा। कई इलाकों में तोड़फोड़ और आगजनी। पुलिस ने दागे आंसू गैस की गोली। महाराष्ट्र के जालना हिंसा मामले में 360 लोगों पर एफआईआर। हिंसा में शामिल 16 लोगों की पहचान। महाराष्ट्र के जालना में एनसीपी प्रमुख शरद पवार का विरोध। लोगों ने शरद पवार के खिलाफ नारेबाजी की। आज से 11 दिन के यूरोप दौरे पर राहुल गांधी कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। छात्रों से भी करेंगे मुलाकात। 11 सितंबर तक ईडी की हिरासत में रहेंगे जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल। बैंक धोखाधड़ी मामले में हुई है गिरफ्तारी। भीलवाड़ा भट्टीकांड में 473 पन्नों की चार्जशीट दायर। गैंगरेप के बाद नाबालिग को भट्टी में जलाया था। राजस्थान के सीकर में बागेश्वर दरबार में पहुंचे क्रिकेटर युजवेंद्र चहल। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मिलकर जताई खुशी। G20 को लेकर रेलवे ने 260 ट्रेनें अस्थायी रूप से रद्द की। 15 ट्रेनों के टर्मिनल में बदलाव। 6 ट्रेनों के रूट बदले गए। चंद्रयान 3 को लेकर इसरो ने दी बड़ी जानकारी। कहा सुरक्षित पार्क किया गया रोवर। बैटरी भी पूरी तरह चार्ज। रूस ने तेज किए हमले। निप्रोपेट्रोस और जपरीजिया के इलाकों में आग बरसा रहे रूसी आत्मघाती ड्रोन। खार्किव में कुप्यांस में यूक्रेन का ड्रोन से अटैक। रूसी सैन्य ठिकाने पर ड्रोन से गिराए ग्रेनेड। जान बचाकर भागते दिखे सैनिक। रूस ने ड्रोन से यूक्रेनी ठिकाने पर गिराए ग्रेनेड। 5 यूक्रेनी सैनिक घायल। कई सैनिकों के मारे जाने की आशंका। यूक्रेनी सेना की 52वीं ब्रिगेड का कामिकाज़ी ड्रोन से अटैक। हमले में धुआं धुआं हो गया। रूसी मल्टीपल रॉकेट लॉन्च। रूस ने जंग में उतारा सेल्फ प्रोपेल्ड रोबोटिक BRG-1। 250 किलोग्राम वजन तक खींच सकता है रोबोट। जंग के मैदान में जाने से पहले विस्फोटकों से लैस लेपर्ड टैंक। यूक्रेनी सशस्त्र बलों को जर्मनी से मिले हैं लेपर्ड 2A4 टैंक। स्वातोवो और क्रिमेनिया के बीच मोर्चे पर रूसी सेना का अटैक। रूसी MLRS के हमले से धुएं धुएं हुआ पूरा इलाका।